नमस्कार, मैं प्रिया इजी कुकिंग एंड मोर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ पर आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ तीन तरीके जिससे कि आप पुदीने के पत्ते को स्टोर कर सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये लिया पुदीना के पत्ते का गट्ठर। इसे खोलकर सबसे पहला काम तो करना है कि इससे घास फूस जो भी है, इसमें गंदगी है या दूसरे पत्ते हैं, उसे छांटकर अलग कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर घास और दूसरे जो पत्ते थे उसे पुदीना के डंठल और पत्ते से अलग कर लिया है। अब पुदीना के पत्ते को डंठल से अलग तोड़ तोड़ कर रखेंगे। ध्यान रहे, जो अच्छे पत्ते हैं, जो फ्रेश पत्ते हैं, उसे हमें अलग रखना है और जो थोड़े भी काले या गले हुए पत्ते हैं उसे हमें अलग रखना है। जो बहुत ही ज्यादा गले हुए हैं उसे तो हम अलग ही हटा दे घास फूस के साथ, तो सबसे ज्यादा अच्छा है। इस तरह के पत्ते जो ऐसे गले हुए या फिर गीले से हैं, उसे हमें अलग करके अलग एक जगह इकट्ठा करना है। अच्छे पत्तों को अलग तरीके से हमें स्टोर करेंगे और ये जो थोड़े गले या काले पत्ते हैं इन्हें हम अलग तरह से स्टोर करेंगे। डंठल भी हमें फेंकना नहीं है, डंठल को भी हमें एक जगह एकत्रित करके रखना है। जो गीले पत्ते हैं उसे अगर आप अभी यूज करना चाहते हैं, चटनी बनाना चाहते हैं, तो वो अभी के इस्तेमाल के लिए आप रख सकते हैं। इस तरह हम अच्छे पत्ते एक तरफ, गले और काले पत्ते दूसरी तरफ और ये जो डंठल है पुदीने के उसको अलग रख लेंगे। ये रहे अच्छे वाले पत्ते जो सूखे थे और बिल्कुल काले नहीं थे, ना हल्के से भी मुरझाए थे, ये बहुत ही फ्रेश पत्ते थे। अब बारी आती है इसे स्टोर करने के तरीकों की। अच्छे पुदीने के पत्तों को स्टोर करने के लिए हम सबसे पहले एक एयरटाइट कंटेनर ले लेंगे। वो किसी भी तरह का जो आपके पास कंटेनर डब्बा जो उपलब्ध हो आप उसी को ले लें। और आपको लेना है टिश्यू पेपर, जी हाँ, घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं नैपकिन, और इसे ऐसे फोल्ड किया हुआ ही मैंने ऐसे डाल दिया है सबसे नीचे। एक टिश्यू पेपर डाल सकते हैं या फिर दो डाल दे, मैंने यहाँ पे दो टिश्यू पेपर डाला है। अब उसके ऊपर इन पत्तों को फैला कर रख दूंगी जो अच्छे पत्ते हैं पुदीना के। अभी मैंने कम पुदीना लाया था तो कम पत्ते हैं मेरे पास, लेकिन अगर ज्यादा भी हो तो आप बहुत ज्यादा दबा दबा कर ना रखें, हल्का ही रखें। ये यहाँ पे आ गया। इसके ऊपर से हमें एक और टिश्यू पेपर ऐसे रख देना है। आप यहाँ भी एक या दो रख सकते हैं, मैंने दो रख दिया। अब इसे ऐसे बंद करके हम फ्रिज में रख देंगे। आप इसे महीना भर इस्तेमाल करें, यह खराब नहीं होता है। मैं हमेशा यूज करती हूँ इसे ऐसे, जब जरूरत हो फ्रिज से निकालें और आप इसे इस्तेमाल करें। अब बारी आती है दूसरे तरीके की। अब बारी आती है पुदीना के पत्ते को दूसरे तरीके से स्टोर करने की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है वो गले हुए गीले काले पत्ते। उसे हमें क्या करना है, या तो आप इसे अभी के अभी चटनी या सिकंजी किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं कर सकते हैं इसे एक प्लेट में ऐसे फैलाकर रूम में रखते हैं। मैंने इसे बस डाइनिंग टेबल पे अपने रख दिया है जहाँ की दिन भर फैन चल रहा था। और ये देखिए, मैंने इसे शाम से सुबह तक रखा था और सुबह में ही आप देख सकते हैं यह कितना
क्रंची हो चुका है या कितने अच्छे से सूख गया है। मैंने इसे धूप में नहीं डाला था, फिर भी यह बहुत अच्छे से हाथ से ही क्रश हो जा रहा है। ये देखिए, ये पत्ते बिल्कुल चूड़े की तरह हो गए। तो ये है हमारा दूसरा तरीका, जिसमें कि हमने पुदीना के सूखे पाउडर तैयार कर लिए, बिना मिक्सी को यूज किए, बिना धूप में रखे। अब हम इसे किसी एयरटाइट डब्बे में बंद करके रख लेंगे, और जब मन हो तब आप इस पुदीने के पत्ते से रायता बना सकते हैं, शरबत में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सब्जी, आप इसे गोलगप्पे के पानी में यूज कर सकते हैं। यह बहुत ही यूजफुल है, मैं तो हमेशा इसे ऐसे स्टोर करके रखती हूँ, और इस तरह हमारा पुदीने का पत्ता बर्बाद भी नहीं होता। आप इसे छन्नी से छानकर भी रख सकते हैं, मैं इसे ऐसे ही रखूंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डंटल वगैरह ना पसंद हो तो आप इसे छानकर भी रख सकते हैं छन्नी से, मैं इसे ऐसे ही स्टोर कर रही हूँ। अब बारी है पुदीना के पत्ते को स्टोर करने के तीसरे तरीके की। इस तरीके से आपको हमेशा फ्रेश पुदीना मिलेगा, और बहुत ही अच्छा, जो कि आप बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए मैंने अपने छोटे से गार्डन में क्या किया है कि इस डंटल को, जो पुदीना के पत्ते से डंटल बचता है, इसे मैंने अपने छोटे से गार्डन के गमले में ऐसे लगा रखा है। पहले से ही मैंने लगा रखा है, ये आप देख सकते हैं, कुछ पहले के हैं जिसमें पत्तियां आ चुकी है, ये थोड़ा उससे बाद का है, तो ये अभी पत्तियां नहीं आई है इसमें। और इस तरह मैं हमेशा डंटल को कहीं ना कहीं गमले में लगा देती हूँ, जिससे कि मुझे फ्रेश पुदीना का पत्ता हमेशा मिलते रहे। तो है ना लाजवाब तरीका। तो आप भी इस तरह से पुदीने के पत्ते को स्टोर करें, और अपने गार्डन से ही हरे पुदीने के पत्ते लाएं, उससे आप ड्राई पुदीना पाउडर बनाएं, फ्रिज में इसे स्टोर करके रखें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।